कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में अकाली दल का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस ने कई रास्तों को बंद किया। तीन कृषि कानूनों के एक साल पूरा होने पर काला दिवस मना रहा है अकाली दल। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में अकाली दल का मोर्चा। हरसिमरत कौर का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा सबका साथ सबका विकास का वादा किया था, लेकिन इस सरकार ने पूरे देश के किसानों के साथ धोखा किया। कृषि कानूनों को लेकर अकाली दल का प्रदर्शन। रकाबगंज गुरुद्वारे पहुंचे सुखबीर बादल। संसद तक मार्च की प्रशासन ने अब तक इजाजत नहीं दी है। मार्च वाले रास्ते पर कड़ी सुरक्षा। सेंट्रल दिल्ली तक पहुंचने वाले सभी रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है। हालांकि काम पर जाने वाले लोगों को आगे बढ़ने की जगह दी जा रही है। पंजाब से पहुंचे कई किसानों के मुताबिक अनुमति नहीं मिलने पर भी आगे तो जाएंगे। दिल्ली में जाम की वजह से लोग जगह जगह फंसे हुए हैं। दिल्ली के शंकर रोड पर एक एम्बुलेंस भी जाम में फंस गई। गुरुग्राम से दिल्ली आने वालों को भारी जाम का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियों की सुस्त रफ्तार है। दो से तीन घंटे में धीमे धीमे रफ्तार से बढ़ रही हैं गाड़ियां। किसान आंदोलन की वजह से पुलिस ने कई रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम। सोनीपत में किसानों के विरोध के चलते जेजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक में पिछले दरवाजे से पहुंचे अजय चौटाला। कहा सरकार में किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ होगा तो जेजेपी समर्थन वापस ले लेगी। पंजाब के तरन तारण में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूरी का मिशन पंजाब। बोले सिंघू और टीकरी सीमा पर किसान रास्ता छोड़ेंगे या नहीं, ये तो कमेटी तय करेगी। तरन तारण में गुरनाम चढ़ूनी की रैली में लखा सिधाना और पंजाबी गायक कंवर गरेवाल भी पहुंचे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद के नारे लगे। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर लखनऊ में सीएम योगी ने दिव्यांग बच्चों से मुलाकात की। योगी ने बच्चों को फल की टोकरी और स्कूल बैग बांटे। योगी बीजेपी के सेवा और समर्पण अभियान के तहत दिव्यांग बच्चों से मिलने पहुंचे थे। विश्वकर्मा पूजा के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांटे श्रम सम्मान पुरस्कार। राज्य में बेहतरीन काम करने वाले श्रमिकों को सम्मानित किया। विश्वकर्मा पूजा पर समाजवादी पार्टी करेगी सम्मेलन का आयोजन। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पूजा में जुटे कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर लखनऊ में पूजा अर्चना की है। पूजा के बाद गिरिराज सिंह ने गरीबों में फल बांटे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश राहुल पर तंज। बोले जो करते थे रोजा इफ्तार पार्टी, अब घूम रहे मंदिर मंदिर। उनका मंदिरों में जाना बीजेपी की वैचारिक विजय है। बिहार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय का दावा। कहा सीमांचल में बड़ी संख्या में घुसपैठिए बसते जा रहे हैं। दलालों के जरिए बाहरी लोगों को जमीन बेची जा रही है। समीक्षा बैठक के दौरान ये जानकारी मिली। बिहार के राजस्व मंत्री रामसूरत राय के बयान पर बवाल है। जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने कहा राज्य में कहीं भी घुसपैठिए नहीं है। राय से इस्तीफा देने की मांग की है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।